हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एज अ बैट्समैन आपके मेंटल बैरियर्स क्या आते हैं जब आप मैच खेलने के लिए जाते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल मेरे पास आते हैं। अगर आप इन तीनों टिप्स को जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, डेफिनेटली ये आपके गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकता है और आपकी बैटिंग पहले से इंप्रूव हो सकती है। तो अगर आप भी अपनी बैटिंग को पहले से ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे लाइव ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक आपको डायरी लेनी है और आपको एक पेन लेना है। राइट, उसके बाद पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, बैक एंड फोर्थ आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एंड देन आप ये चीज। सबसे पहला जो मेंटल बैरियर आपको आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैट्समैन रन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आप अच्छी ट्रेनिंग तो करते हो, ग्राउंड में अच्छी मेहनत तो करते हो, लेकिन उसको मैच में लेकर नहीं जा पाते। और ऐसे बहुत सारे बैट्समैन है जो नेट में तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब वो मैचेस के अंदर जाते हैं तो उनसे परफॉर्म नहीं होता। और वो किस में फॉल्ट निकालते हैं? वो फॉल्ट निकालते हैं अपनी मेहनत के अंदर कि यार मुझे और ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, मेरे को और टेक्निकल स्किल में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी टेक्निकल दिक्कत नहीं है। अगर आप सीरियस क्रिकेटर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो आपकी टेक्निकल दिक्कत नहीं हो सकती, वो आपकी मेंटल दिक्कत भी हो सकती है, जिस पे आपको स्पेसिफिकली अलग से वर्क करना चाहिए, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला फॉल्ट जो बहुत सारे बैट्समैन के माइंड के अंदर आता है, वो है कि प्री प्लानिंग करते हैं। अब प्री प्लानिंग होती क्या है, ये शायद आप में से बहुत सारे बैट्समैन जानते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्री प्लानिंग ये होती है कि आप पहले से ही जब आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो अपने माइंड में ये सोच कर जाते हैं कि मैं इस बॉल पे क्या करने वाला हूँ। वो बॉल कहीं पर भी आ रहा हो, उससे आपको मतलब नहीं होता, बस आपको बल्ला घुमाना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छी बैटिंग नहीं कर पाओगे। आप कितनी बॉलें खेल पाओगे ज्यादा से ज्यादा, 15 बॉल, 10 बॉल, उसके बाद आपको डेफिनेटली आउट होना है, क्योंकि क्रिकेट मेरिट पे चलती है, उसके बाद आप हिटिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में जाते ही चलाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपके रन कम बनने वाले हैं, आपका स्कोर 15-20 रन से ऊपर नहीं जाने वाला। तो सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आप प्री प्लानिंग करते हैं। और प्री प्लानिंग हम क्यों करते हैं? हम कंडीशन में ढल नहीं पाते, हम कंडीशन से डरते हैं। वो चाहे किसी मीडियम पेसर का डर होता है हमारे माइंड के अंदर, या किसी स्पिनर का हमारा माइंड के अंदर डर होता है कि यार वो मुझे आउट ना कर दे, तो उसको हम टैकल करने के लिए क्या करते हैं, उस पर हम जबरदस्ती अटैक करते हैं, तब जाके आपकी प्री प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्री प्लानिंग से बचना शुरू करना है। अगर आप प्री प्लानिंग करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि यस, मैं प्री प्लानिंग करता था, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपनी प्री प्लानिंग के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहला ये मेंटल बैरियर है आपका, जो आपकी टेक्निक से, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग करते हैं तो आपके डेफिनेटली रन कम बनने वाले हैं। तो आपको प्री प्लानिंग पे स्पेसिफिकली काम करना है, सबसे पहला चीज। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ कंट्रोल। अब लैक ऑफ कंट्रोल क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैक ऑफ कंट्रोल ये होता है कि जैसे आप मैच के अंदर बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो हर बैट्समैन का एक खेलने का टाइप होता है, हर बैट्समैन की खेलने की पर्सनैलिटी होती है। आप या तो अटैकिंग बैट्समैन होते हैं, आप उस तरह रन बनाते हैं, या आप एक टेक्निकल बैट्समैन होते हैं, आप उस तरह रन बनाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के बैट्समैन होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप मैच के अंदर जाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी से अलग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको पता है कि मैं पुल नहीं मार सकता, तो आप पुल मारने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मेरा कट अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी आप कट मारने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मेरी हिटिंग अच्छी नहीं है, तब भी आप हिटिंग करने की कोशिश करते हैं। यस, आपको ये चीजें करनी चाहिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आपको चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि पहले आप इन चीजों को अच्छी तरह सीखो, देन आप इनको एग्जीक्यूट करो। हर बंदा जो क्रिकेट शुरू करता है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे आप स्टार्टिंग से बैटिंग करते हो उसी तरह आपको मैच के अंदर करना है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से हटके बैटिंग करोगे मैच के अंदर स्पेशली, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों? मान के चलते कि मैं एक अग्रेसिव बैट्समैन हूं और मैं टेक्निकल खेलने की कोशिश कर रहा हूं, सब मुझे बोल रहे हैं कि भाई नीचे नीचे खेल, खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक हिटिंग वाले बैट्समैन हो तो आप क्या करोगे, आपके रन भाई हिटिंग से ज्यादा बनेंगे एज कंपेरिजन के आप टेक्निकलिटीज पे जाओगे। पहले आप हिटिंग को प्रेफर करो, उसके बाद धीरे धीरे टेक्निकल चीजों को सीखो, इस तरह से आपने काम करना है। और जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट खेलते हो, जैसे मैंने आपको लिखकर बताया, लैक ऑफ कंट्रोल, आपको लैक ऑफ कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, मतलब आपका कंट्रोल आपके गेम से हटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका कंट्रोल आपके गेम से हटेगा, आप हेल्पलेस फील करोगे। हेल्पलेस मतलब कि यार अब मैं क्या करूं मैच के अंदर। और जैसे ही आप हेल्पलेस फील करते हो, आपके माइंड के अंदर डाउट आता है और आप कोई भी शॉट खेल के आउट हो जाते हो मैच के अंदर, और फिर आप बाहर आके बोलते हो कि यार वो शॉट मैंने आज क्यों खेला,
क्यों मैंने गलती करी, तो ये आपका मेंटल बैरियर है भाई, ये आपका मेंटल फॉल्ट है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी मुझे कमेंट के अंदर लिखकर बताइए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, राइट। ये दोनों चीजें प्री प्लानिंग के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करती है, जैसे मैंने लैक ऑफ कंट्रोल बताया, ये एक सेपरेट पॉइंट है, लेकिन प्री प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि भाई मैं अपने अपने आप को देखो, एनालाइज करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और एनालाइज करो कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा कर रहे हो तो इसको छोड़ने की तैयारी करो, और कैसे छोड़ोगे, मेरिट पे बैटिंग करने का शुरू करो, नेट पे हो चाहे मैच के अंदर, समझ आ गया। चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब क्या होता है कि बहुत सारे बैट्समैन जब आउट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम जस्टिफिकेशन देते हैं, आज ना यार मेरा ना ग्लव्स फिसल गया, उसमें पसीना ज्यादा हो गया था, आज मेरी ग्रिप बीच से फट गई तो मेरा बल्ला हाथ से छूट गया, है ना, आज का विकेट अच्छा नहीं था, आज विकेट बहुत टर्न हो रहा था, राइट। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं बैट्समैन के पास, वो क्या कोशिश करते हैं कि भाई मैं आउट हो गया तो मेरी गलती नहीं है, विकेट की गलती है, या फिर मेरे ग्लव्स की गलती है, या हवा बहुत तेज चल रही थी, मैंने छक्का मारा, बॉल एयर में रह गया और मैं कैच आउट हो गया। आपने देखे ना ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज, शायद आप भी देते होंगे, मैंने भी बहुत भर भर के दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मेंटल स्टेट को कैसे खराब करेगा। अगर आपने जस्टिफाई करना शुरू किया कि मैं आउट क्यों हुआ, आपने सबको बताना शुरू करा कि यार मैं इसलिए रन नहीं बना पाया, आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे किसी भी टीम के लिए जिसके लिए आप खेल रहे हो, और आपके रन बनना कम शुरू होंगे। जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई मैं आउट हो गया, मेरी गलती है, मैं अगले मैच में इसको इम्प्रूव करूंगा, अगर आप इस स्टेटमेंट पर रहते हो तो हो सकता है कि आपके अगले 3-4 महीने रन ना बने, लेकिन भाई 3-4 महीने के बाद आपका समय आएगा और वहां से आप भर भर के रन बनाओगे। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करते रह गए, मैंने ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा है 10-10 साल हो चुके हैं और अब तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, वो ना मेरा पैर स्लिप हो गया था, मेरा जूता फिसल गया था, आज मेरे नेल्स घिस गए थे, भाई ये सब एक्सक्यूज है यार। कोई भी आपकी स्टेट की टीम में या आपके सिलेक्शन मैच में आपकी बात नहीं सुनने वाला, ये आपको फील होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं वहां से, आपको भागना नहीं है। अगर आप आउट हो जाते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपने रीजन देना शुरू कर दिया तो आपका माइंड पता है क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का कभी भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा जिसकी वजह से आप आउट हुए। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैं आउट हो गया, क्यों आउट हुआ आपने पता करा, आपने उस फॉल्ट को लिखा और आपने उस पर काम करा। लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन देते हो तो आपका माइंड बोलता है अरे हाँ यार मेरी गलती थोड़ी है, ये तो बॉल की गलती है, ये तो बैट की गलती है, बैट मेरे हाथ में घूम गया तो ग्लव्स की गलती है, आप ऐसा करोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो या किसी आपको आपने किसी को ऐसा करते हुए दिखा तो मुझे कमेंट के अंदर यस बता सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई इस चीज को छोड़ो, आप जिम्मेदारी लेना सीखो, जब भी आप किसी बड़ी टीम के लिए खेल सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ये तीसरा मेंटल बैरियर है, राइट, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं चौथे मेंटल बैरियर की, वैसे तो 3 है लेकिन मैं चौथा भी आपको समझा देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और चौथा मेंटल बैरियर है माइंड ब्लैंक। अब होता क्या कि आप मैच खेलने के लिए जाते हैं, मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे ओपनर का पेयर आउट होता है, दोनों में से कोई भी एक आउट होता है, आप अंदर बैटिंग करने के लिए जाते हैं और आप 3-4 बॉल में आउट होकर बाहर आ जाते हैं, ये सब क्या है? आपको लगता है कि यार मैं तो मतलब बिल्कुल फर्स्ट सा गया हूं, मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, और आप इतनी देर में जितनी देर में आप समझ पाते हो उतनी देर में आप आउट होकर बाहर आ जाते हो। अब जितनी देर में आप समझते हो ना चीजों को कि हाँ यार ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, फिर आप बाहर से बैठ के एनालाइज करते हो कि यार मैंने क्या गलती करी, और पूरे दिन आप बाहर बैठे रहते हो। अगर आपको यह समझना है कि आपका माइंड ब्लैंक क्यों होता है और उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, उसके पीछे का सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैंने कंप्लीट वीडियोस 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं माइंड ब्लैंक इन क्रिकेट, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारे चैनल पे आपको पता चल जाएगा, 2 पार्ट है बिल्कुल डिटेल के अंदर, उनको जाके देखो और जो भी आप सीखो मुझे कमेंट के अंदर जरूर लिखकर बताना। जब आप ऐसा करेंगे ये चारों फॉल्ट छोड़ेंगे, और आपको बताना चाहता हूँ ये 3-4 फॉल्ट जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके मेंटल स्टेट को या तो खराब करने में या अच्छा करने में। खराब कैसे, अगर आप इन चीजों को लगातार कर रहे हो और इनको एक्सेप्ट करते चले जा रहे हो तो आपके मेंटल स्टेट खराब होने वाली है। अगर आप इन 3-4 चीजों से लड़ रहे हो लगातार तो आपके मेंटल स्टेट कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है और आप एक ना एक दिन बड़े रन जरूर करोगे। टाइम लग सकता है, नो डाउट टाइम लग सकता है, लेकिन एक राइट तरीका है अपने आपको एज ए बैट्समैन आगे लेकर जाने का, तो आपको ये करना है, आगे बढ़ना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपसे मेरी एक विनती है, जितने भी बैट्समैन आप अपने आसपास परेशान देखते हो उन सबको ये वीडियो शेयर करिए, उन सबको वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।